I want you to show me how to get to know someone like you. Hello guys, welcome back to our channel. I hope you guys are absolutely fine. So, अभी रात के 3 बजे है और हम लोग जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं वो आपके लिए सरप्राइज है. Someone like you, I want you to know me, 'cause I know then you'll see. We can be true, we can be true. I want you to see what I see in us. Something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. वो है अभी आप सैनिटाइजर लगा दिया आप रख दोगे ना फिर मैं बाद में लगाऊंगा. अभी हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड लिया है. रात के निकले थे, अराउंड 190 किलोमीटर कवर किया है. सो अभी टी ब्रेक लिया है हम लोगों ने और हम लोग कहीं रेस्टोरेंट पे या कोई ढाबे पे या कहीं पे नहीं रुके हैं. हम लोग बीच हाईवे पे रुके हुए हैं अभी. एंड अभी हमें ड्राइव करने का बहुत मज़ा आ रहा है, बट हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट है ये मामले में कि हम लोग ज़्यादा किसी चीज़ों को छुएंगे नहीं. हम एक दूसरे को भी नहीं छू रहे, क्योंकि मैंने दर्शित को भी बोला है, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे जो परमिशन मिला है उसमें ड्राइवर का मैंने लिया है कि मैं ड्राइव करूँगा. अभी एक इंसिडेंट हुआ कि हम लोगों के साथ, कि हम लोगों ने अभी तो टोल टैक्स है, बहुत हाईफाई टोल टैक्स है, तो वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ कि मैंने पैसे एक पॉलीथीन में रखे थे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि हम लोग कुछ भी चीज़ों को वापस दोबारा हाथ नहीं लगाएंगे. तो हम पॉलीथीन में पैसे डालेंगे, सामने वाला जो बंदा होगा वो पॉलीथीन से पैसे लेगा एंड जो भी स्लिप होगा उसके अंदर डालेगा और पॉलीथीन रैप करके हम लोग ड्राइवर सीट के बाजू में जगह रखी है वहाँ पर लेगा, रख दूँगा मैं और वहाँ पर दर्शित नहीं छुएगा. ये हम लोगों ने स्ट्रिक्टली रखा है. तो मैंने उस बंदे को पॉलीथीन ऐसी दी तो उसने मेरे सामने ऐसी मतलब इतनी गंदी तरीके से फेस बनाया कि मतलब मैं क्यों लूँ. तो मैंने बोला भैया इसके अंदर है ऑलरेडी, जितना 125 टोल टैक्स हो रहा था इसके अंदर है छुट्टे, आप ले लीजिए. तो बोलता है कि अरे मरना तो है ही ना सबको, तो फिर अभी मर लो. तो मैंने बोला भैया आप क्या बोल रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि मरना है तो मतलब मर जाओ, अभी मर जाओ, मौका आया है. मैंने उसको समझाया कि भैया सेफ्टी मेरे को भी रखनी है और आपको भी रखनी है, मरने की बात यहाँ नहीं हो रही है. तो उसने मेरे हाथ से ऐसे पॉलीथीन छीन ली, तो फिर उसने इतनी गंदी तरीके से मुंह बनाया, मैंने वो स्लिप ले ली, फिर वापस रख दी और वो पॉलीथीन हम लोगों ने फेंक दी, क्योंकि उसमें कुछ पैसे वगैरह नहीं था बट मुझे नहीं भरोसा करना था. बट ये आप समझिए कि लोग कितने लापरवाह है. यहाँ पे उसका चेकिंग चल रहा है सब लोगों का कि कितने लोग अंदर आ रहे हैं और कितने लोग बाहर जा रहे हैं, और जिनको परमिशन मिली है वही लोगों को एंट्री मिल रही है. और मेरा ये बोलना है कि इन सब लोगों को थैंक यू है कि कितना धूप है, अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं और कितना धूप है और ये लोग काम कर रहे हैं. तो सैल्यूट है इन लोगों को. हम लोग खाली घर पे बैठे बैठे खाली बातें ही करते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. सीरियसली आप देखिए रोड की उस साइड भी चेकिंग चल रही है, वो सब लोग 12 बजे फैमिली को छोड़ के यहाँ पे काम कर रहे हैं अपना.
to losing game. But this time it's more than another love of war. This ain't the same, this ain't the same. They say love heals all, it makes it all alright. In time, in time. My heart's still feeling. अभी जस्ट हम लोग राजपड़ के अंदर एंट्री करेंगे, बट अभी हम लोगों को 14 डेज के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा घर पे, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे रजिस्टर करना है तीनों को कि भाई हम लोग यहाँ पे एंट्री हो चुके हैं। तो अभी चलो हम लोग करते हैं यहाँ पे एंट्री, हम तीनों के बॉडी पे वो निशान, हाँ निशान लगाएंगे कि हम लोगों को होम क्वारंटाइन करना है 14 डेज के। ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सबके हाँ बॉडी पे वो निशान लगाएंगे कि हम लोग बाहर से आए हुए हैं और 14 डेज के लिए हम लोगों को होम क्वारंटाइन करना है। तो गरिमा एंड दर्शित दोनों का अभी सिक्का लग गया है। ग्लोव्स निकालो, यहाँ ऊपर एक मारो। But you make my world so bright, feels so right, it feels so right. So finally हम लोग अभी हमारे घर पहुंचे। कल बहुत हम लोग थक गए थे तो इसलिए हम लोग व्लॉग का एंड नहीं कर पाए, और हमारा मेडिकल प्रोसेस भी चल रहा था। घर पे आने के बाद भी पूरा मेडिकल टीम आया था प्रोसेस के लिए, सो वो सब रीजन के वजह से हम लोग एंड नहीं कर पाए, तो सोचा कि आज कर दे। एंड ऐसा था कि हमने वैसे भी वीडियो में आके बोल ही दिया है कि हम लोग राजकोट जाने वाले थे, मतलब हमारे होम टाउन जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे मम्मी पापा के लिए थे, तो हमने गवर्नमेंट से स्पेशली परमिशन लिया था जाने का। एंड देन हमारा वो परमिशन फाइनल हुआ, देन हमें टाइम दिया गया था कि आपको 23 hours में कल की डेट में 23 hours में हमें घर पहुँचना था। एक दिन का ही परमिशन था। हाँ, एंड बहुत सारा ऐसा था कि पहुंचने के बाद जहाँ मेरे सिटी की जो चेक पोस्ट थी वहाँ पे हमारा मेडिकल चेकअप करने के बाद भी गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स होते हैं वो घर पे आके भी चेकअप करने वाले थे। देन हम लोग घर पे आने के बाद हमने डायरेक्टली पहले हमारी कार को सैनिटाइज पूरा किया, देन हमने हमारी बिल्डिंग वालों को सबको बताया कि हम इस तरीके से कहाँ सूरत से आए हुए थे। एंड देन हमने पहले हम खुद एकदम साफ हो गए, देन हमने हमारे सामान पूरा लगेज वगैरह था वो हम लोग फिर गाड़ी से निकाला। बिल्डिंग के लोगों को सबको समझाया कि हम इस तरीके से और सेफली आए हुए हैं। एंड देन हमारे घर पहुंचने के 3 घंटे बाद जो प्रोसीजर, मेडिकल प्रोसीजर हम तीनों की हुई, उसके बाद अभी हम लोगों को 14 डेज के लिए क्वारंटाइन रखा है। मेरे घर के बाहर भी उन लोगों ने रेड स्टिकर लगा दिया कि ये लोग अभी क्वारंटाइन में है, तो इनके घर कोई आना नहीं है और हमें भी बाहर नहीं जाना है। एंड देन अभी हम लोगों ने खुद को ही आइसोलेट कर लिया है घर के अंदर हम तीनों, और हमारे घर में से कोई बाहर अभी नहीं जाएगा। जाएंगे तो पापा जाएंगे, बट वो सेफली अपना जो भी कुछ लेना करना है, ग्रोसरी वगैरह, वो सब लेने के लिए ही जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं जाएंगे वो। हम इस वीडियो इसलिए पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि लोग भी घर जाने वाले हैं, या कोई होम टाउन है जहाँ पे मॉम डैड रहते हैं, ज़्यादातर हम लोग वर्किंग के लिए किसी अदर सिटीज़ में रहते हैं, तो हमें वापस जाना है क्योंकि अभी हमें पता है कि कुछ टाइम तक ये नहीं खुलने वाला है, और नहीं खुलना भी चाहिए क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए है। तो हम ये सोच रहे हैं, हमारा मेनली ये था कि हम लोगों ने मेडिकल परमिशन लिया था कि थोड़ा एक मेडिकल इमरजेंसी था तो हमें सूरत से घर आना पड़ा। हाँ, सो हम लोग ट्रैवल ऐसे ही नहीं कर रहे थे, हमारा रीजन की वजह से आए थे, बाकी हम भी उधर भी सेफ थे, इधर भी सेफ ही है। और अभी तो घर पे ही है तो हम लोग अभी बहुत सारे वीडियोस डालने वाले हैं, तो उनके अभी एडिटिंग भी चल रहे हैं, तो वो भी आपको जल्दी से मिलेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग एवरी टाइम कुछ ना कुछ डालते रहेंगे वीडियोस में और दिखाते रहेंगे जो हमारी जर्नी है या जो भी हम ट्रैवल करते हैं या कुछ भी है। अभी हम ट्रैवल नहीं करना चाहते थे, बट फिर भी एक बार के लिए करना पड़ा, तो वो भी जर्नी हमने दिखाई है, थोड़ा बहुत दिखाया है, थोड़ा छूट भी गया, जहाँ पे अलाउ नहीं था तो हम लोगों ने नहीं शूट किया है। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन एंड पीस आउट। That while we've got is real, there's no denying.